हेलो दोस्तों, रितेश इलेक्ट्रिकल्स में आपका स्वागत है। आज हम बाइंड करने वाले हैं 24 स्लॉट हाई स्पीड 2800 आरपीएम फराटा फैन मोटर। तो आइए इसमें पेपर डाल के कंप्लीट कर लेते हैं। हम इसमें पीबीसी पेपर 7 नंबर यूज कर रहे हैं। तो आइए इसमें डाल के कंप्लीट करते हैं और इसकी बाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपने फराटा मोटर में पेपर डाल के कंप्लीट कर लिया है। तो आइए इसमें कॉइल डालते हैं। हम इसमें रनिंग कॉइल 30 नंबर वायर का यूज कर रहे हैं और इसको 1 से 8 और 1 से 10, 1 से 12 में डालना है। हर एक खाने में एक राउंड ही जाएगा। तो आइए इसको डालते हैं। हम इसकी कॉइल में 230 टर्न डाले हैं और 30 नंबर वायर का यूज किए हैं। तो ये हमारी 1 से 8 में एक राउंड पड़ चुकी है और उसको सेट कर देते हैं। बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाती है। तो ये 1 से 10 में डालते हैं एक राउंड। इसको भी डाल के इसमें पीवीसी पेपर लगा देते हैं ताकि हमारे पंखे में करंट ना आए। तो हमने अपनी कॉइल डाल दी है। कॉइल पड़ चुकी है हमारी। से 8 और 1 से 10 में हमने कॉइल डाल दी है और इसी कॉइल को घुमा के हम 1 से 12 में डाल लेते हैं। आपको भी ऐसे डालना है जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। बहुत ही आसानी से डालना ताकि वायर टूटने ना पाए। चुकी है और हम पेपर भी लगा दिए। तो आइए इसको कॉइल सेट कर लेते हैं ताकि सारी कॉइलें बराबर दिखें। ये देखिए हमारी रनिंग की एक कॉइल पड़ चुकी है। जैसे हमने ये वाली कॉइल डाली है सेम वैसे ही दूसरी कॉइल डालनी है। बीच में 6 खाने छूटेंगे, 8, 10, 12 पड़ेंगे। सेम टू सेम वैसे ही डाल ली है इस कॉइल को भी। इससे हमने थोड़ी इसकी स्पीड बढ़ा दी है ताकि आपको वीडियो ज़्यादा लंबा ना दिखे और आप बोर ना हो। जैसे हमने पहली कॉइल डाली है वैसे ही हम इसको भी डाल रहे हैं। यूज करके डाला है। ये देखिए हमारा पंखा आधा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसमें स्टार्टिंग कॉइल डालेंगे। ये हमने स्टार्टिंग कॉइल 32 नंबर वायर का यूज कर रहे हैं और इसमें टर्न होंगे 210। ये भी 1 से 10 नहीं, 1 से 8 और 1 से 10 और 1 से 12 में ही पड़ेंगे। से 8 और 1 से 10 और 1 से 12 में सिंगल सिंगल कॉइल ही जाएगी।
इसमें 32 नंबर वायर का यूज होगा। टर्न होंगे 210, तो ये इसको भी डाल के कंप्लीट कर लेते हैं। स्टार्टिंग कॉइल पड़ चुकी है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ये देखिए, स्टार्टिंग की पहली कॉइल पड़ चुकी है। जैसे हम इसको डाले हैं, वैसे दूसरी कॉइल को भी सेम वैसे ही डालना है। हम इसमें वाइट पेपर लगाना भूल गए थे, हमने इसमें लगा दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो पेपर लगाने के बाद ही आपको स्टार्टिंग कॉइल डालनी है। तो दूसरी कॉइल सेम वैसे ही डालनी है जैसे आपने पहली कॉइल डाली है। तो आइए इसको भी डाल के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी स्टार्टिंग कॉइल भी पड़ चुकी है और हमारा पंखा पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। तो आइए इसको धागे से बांध देते हैं। ये ऐसे ही धागे को घुमा के बांधना है ताकि हमारी कॉइल फैले ना। तो आइए इसको बांध के कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने इसको धागे से बांध दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में। आइए अब इसका कनेक्शन देख लेते हैं और कर देते हैं।
जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, आपको पहले रनिंग कॉइल का कनेक्शन करना है। पहली कॉइल से छोर उठाना है और एक छोर के तीसरे में कर देना है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। एक कॉइल में एक ही जॉइंट होगा और स्टार्टिंग में भी एक उठा के दूसरी छोर के तीसरी में जोड़ देना है। ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन में, हमने इसका कनेक्शन कर दिया और ये हमारी चार वायर निकल आई हैं। स्टार्टिंग में रनिंग की दोनों कॉइलें निकल चुकी हैं। इसको धागे से बांध देते हैं। ये देखिए, हमने रनिंग कॉइल में रेड वायर जोड़ दी है और स्टार्टिंग कॉइल में व्हाइट। हमारी रनिंग कॉइल मेन रहेगी और स्टार्टिंग में हम कंडेंसर देंगे। तो ये इसको धागे से बांध के कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने अपनी मोटर को बांध दिया है और हमारी मोटर कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट करिए। धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग।